प्रयागराज के फूलपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतीक ने प्रयागराज की सेशन कोर्ट में शनिवार को सरेंडर किया और इसके बाद उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। 6 महीने से फरार चल रहे अली पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसकी तलाश में एसटीएफ से लेकर एसओजी तक तमाम टीमें लगा दी गई थी। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली पर रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में प्रयागराज के करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अली बीते 6 महीने से फरार था और कई जिलों में उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। शनिवार को प्रयागराज जिले की एक अदालत में अली ने सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची। माना जा रहा है कि अली के अपराधों की कुंडली खंगालने के लिए पुलिस ने अब बड़ी तैयारियां कर ली हैं। अदालत से अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर पुलिस अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए बीते 6 महीने से पुलिस की तमाम टीमें लगी थी, आखिर वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की कोर्ट तक कैसे पहुंच गया और यहां पर सरेंडर करके कैसे हीरो की तरह वापस जेल चला गया। एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना करेली में 31 दिसंबर 2021 को, क्राइम नंबर 732/2021, धारा 147, 148, 309, 308, 384, 423 का, जिसमें श्री अतीक अहमद के पुत्र अली समेत 9 लोग और नामजद हुए थे। उसी मुकदमे में, उसी प्रकरण में आज अली ने जो है न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जहां से उनको न्यायालय के वृक्षा में लेकर कारागार भेजा जा रहा है। 50,000 इनाम रखना तो पुलिस के हाथ में 50 लाख रख दे तो कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि धारा 82 कार्रवाई नहीं हुई थी तो इनाम रखने कोई औचित्य नहीं थी। इनाम तब रखा जाता है जब धारा 82 हो जाए, 83 हो जाए, फरार रहे ना हाथ में आए, तब इनाम रखा जाता है। आज FIR, कल इनाम थी तो पुलिस का। प्रयागराज में हुए इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि यूपी सरकार के खौफ के कारण ही इस अपराधी ने सरेंडर किया है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।